बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या गनाम दुआ या कनस्टैन। तो गाइस जेनेटिक्स के तीन जो है ना लेक्चर वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, आप जाके वो पहले देखें, उसके बाद फिर आपको ये ट्रांसलेशन के कंपोनेंट्स की समझ आएगी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, अगर किसी को चाहिए तो वो देख सकता है। नेक्स्ट जो है ना हम बिना किसी टाइम को गवाए शुरू करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन। यानी जो ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, मैसेंजर आरएनए से जो है ना वो प्रोटीन का बनना। होप्स हो कि आपको नज़र आ रहा हो, लेट मी फोकस इट। ओके, प्रोटीन का बनना ओके हो गया। अब अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना, हमें पता है कि 20 टाइप्स के ना जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब ट्रांसफ़र आरएनए की कहीं की कुछ बुक्स में लिखा हुआ अगर 20 टाइप्स होती, कुछ में लिखा होता 45 टाइप्स होती हैं, ये मिसकंसेप्शन है एक। अच्छा, ये मैं ट्रांसफ़र आरएनए बनाया हुआ, ठीक है, ये इसका एक लूप हो गया, ये जो होते हैं ना वो एंटीकोडॉन लूप हो गया, ये इसका एक और हो गया, ये थ्री प्राइम एंड हो गया, ठीक हो गया, ये फाइव प्राइम एंड हो गया, और ये लूपिंग की फॉर्म में ट्रांसफर आरएनए हमें पता होता है, ठीक है। अब जो जो है ना ये थ्री प्राइम एंड, इसके ऊपर क्या होता है, ख़ास किस्म का अमाइनो एसिड लगा होता है। सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे सेरीन का जो है ना वो अमाइनो एसिड लगा हुआ है, तो सेरीन को क्या कोड करता है, UCA इसका जो है ना वो कोड करता है। तो UCA फिर कहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर सेरीन लगा हुआ है तो यहाँ पे जो है ना UCA लगा होगा, ये UC और A, ओके हो गया। अब जो नीचे जो सीक्वेंस होगी ना उसकी वो क्या बनेगी, UCA है ना, A के आगे क्या आएगा T, C के आगे क्या आएगा G, U के आगे क्या आएगा A, UGT बनेगा। होप सो समझ आ गई होगी। यानी एंटीकोडान का जो लूप है ना उसके वो कंप्लीमेंट्री जो होता है वो नीचे जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके ऊपर आके लग जाता है। अब जो है ना अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज, ये इंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्यों लिया गया, ये इंपॉर्टेंट इंजाइम है, अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज अटैच टू द अमाइनो एसिड ऑन थ्री प्राइम एंड हो गया, OH ग्रुप विद CWH ऑफ अमाइनो एसिड हो गया। ये क्या करता है, अमाइनो एसिड ट्रांसफर सिंथेटेज एक ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड को थ्री प्राइम एंड के में, जो इसका अमाइनो एसिड का होता है ना, एक होता है NH2 ग्रुप और एक होता है CWH, जो CWH ग्रुप होता है ना उसे थ्री प्राइम एंड की तरफ लेके आता है, और वहाँ पे थ्री प्राइम एंड का जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना उसके साथ लिंक करवाता है। कौन सा एंजाइम, अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आपने किसी को ना समझ आए तो वीडियो की सेटिंग में जाए, वहाँ पे स्पीड को स्लो कर सकता है वो, और काइंडली वीडियो को ना हाई रेजोल्यूशन में देखा करें। मुझे कमेंट सकते हैं कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं, आपकी इंटरनेट कनेक्शन एक अच्छा किया करें, और दूसरा जो है ना रेजोल्यूशन सेटिंग में जाकर रेजोल्यूशन जो है ना हाईएस्ट पे कर लें, 1080 पे कर लें। चले आगे चलते हैं। अब मैसेंजर आरएनए में जो है ना वो क्या होता है, DNA से जो मैसेंजर आरएनए बना था ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में, वहाँ पे अब राइबोसोम का काम आया था, अटैच होता है जो मैसेंजर है, ये अगर मैसेंजर आरएनए है ना तो यहाँ पे जो है ना वो स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम ये आके अटैच हो जाएगा। अब क्या होगा, इसने प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, राइबोसोम का फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हमें पता है। अब यूक्रियाट्स और प्रोक्रियाट्स का राइबोसोम में फ़र्क, ये FSC में हमने पढ़ चुके हैं कि प्रोक्रियाट्स में जो है ना वो 70S होता है, S सेटवर्ड यूनिट होता है इसका, यानी उसका एक किस्म का वेट ही कह लें। यूक्रियाट्स में जनाब 80S होता है, 80S में भी क्या होता है, एक 60S होता है, एक 40S होता है। अब आप कहेंगे 60 और 40 मिलकर 100 बनते हैं, देखें ये अगर सपोज 60S है ये 40S है तो यूँ मिलते हैं, ठीक है, तो ये 80S बना देते हैं, 20% जो है ना ये अंदर देखें ये मर्ज हो जाता है, इसलिए हम इसे 80S कहते हैं, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है ना। अब राइबोसोमल आरएनए में क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए में बताते हैं, राइबोसोम्स में क्या होता है, राइबोसोम में एक होता है आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, एक होता है प्रोटीन होती है, ठीक है। अब राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन इन दोनों का फंक्शन आगे आ जा रहा है, ठीक हो गया। साइट ऑन द राइबोसोम्स हो गया, ठीक है। अब जो होते हैं ना स्मॉल राइबोसोम्स और लार्ज राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ओ नो यार लाइट एक तो चली गई है, ओके कोई बात नहीं। जो मैसेंजर आरएनए होता है ना वो स्मॉल राइबोसोम के ऊपर अटैच होता है, लेकिन अब हमें जो है ना अटैचमेंट के लिए साइट्स चाहिए, जगह चाहिए, किसी जगह पर जाके रहना, तो इसके लिए एक निमोनिक है EPA। हमें पता है कि एक ना वो इंटरनेशनल एजेंसी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है, यहीं से आपने याद रखना है, ई से इन्वायरमेंटल, पी से प्रोटेक्शन, ए से एजेंसी, EPA, ओके हो गया। ये होती हैं इसके ऊपर राइबोसोम्स के ऊपर, यानी ये थ्री साइड्स होती हैं, ई का मैंने एग्जिट साइड, पी का मैंने पेप्टाइडल साइड हो गया, और ए साइड जो होती है ना वो होती है रिकॉग्निशन साइड होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मज़ीद, अगर आपको नज़र ना आ रहा हो तो EP और A साइड, ओके हो गया। अब जो
ई साइट होती है ना, वो एग्जिट साइट है, वहाँ से ट्रांसफर आरएनए निकलना है। हम पहले शुरू करते हैं ए साइट से, ठीक है। जो भी कुछ नया आना है ना, वो सबसे पहले आना है ए साइट पे। ए साइट ने उसे सलाम दुआ लेनी है, दरवाजे पे इसे रिसीव करना है, ठीक है। ये रिकॉग्निशन साइट है, एंटी कोडान लूप और ट्रांसफर आरएनए फर्स्ट अटैच टू इट, यानी कोई भी नया ट्रांसफर आरएनए आ रहा है ना, वो ए साइट के ऊपर आके यहाँ पे इसे मिलेगा, इसको रिकॉग्नाइज करवाएगा, ठीक है। उसके बाद जनाब ए वाला जो है ना, इसे देखेगा, ठीक है, उसके बाद इसे ट्रांसफ़र कर देगा किसकी तरफ, पी साइट की तरफ। पी साइट क्या पेप्टाइडल साइट है, ठीक है। अब ट्रांसफर आरएनए जो है ना, वो रिलीज़ करेगा अमाइनो एसिड। अगर ये जो है ना, ये अगर ट्रांसफर आरएनए, इसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ हमने कहा था अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज ने ये अमाइनो एसिड लगवाया था ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, ओके हो गया। अब ये रिलीज़ भी तो करवाना है, यहाँ से इसे तोड़ना है, ठीक है। तो पेप्टाइडल साइड पे आके ये जो है ना टूटेगा अमाइनो एसिड, और जो ऑलरेडी बन रही थी ना चेन, उसके साथ ये भी जाके ना अमाइनो एसिड जुड़ जाएगा पेप्टाइडल साइड पे, पेप्टाइड बॉम्ब बना देगा, जिसकी वजह से प्रोटीन की लिंकिंग मजीद बढ़ेगी, ओके। अगर पेप्टाइडल साइड पे पी साइड के ऊपर होती है पेप्टाइडल। अब जब ये तो अमाइनो एसिड निकल गया, अब जो फ्री जो है ना ट्रांसफर आरएनए रह गया, उसने अब क्या करना है, उसका काम ही ख़त्म हो गया। तो वो बेचारा क्या करेगा, एग्जिट साइड से चुप करके ना बाहर दफा हो जाएगा, निकल जाएगा एग्जिट साइड से ट्रांसफर आरएनए एग्जिट विदाउट एनी अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड तो यहाँ पे जो प्रोटीन बन रही थी ना, उसके साथ ही उसने मजीद लगी, वो चेन लंबी होगी, खाली जो ट्रांसफर आरएनए था वो एग्जिट साइड से बाहर निकल गया। अब लोकेशन ऑफ राइबोसोम्स क्या है, हमने एफएसए में भी पढ़ा, राइबोसोम की लोकेशन जो होते हैं ना, कुछ तो फ्री होती हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में यूं ही आवारागर्द होते हैं, कुछ जो होते हैं ना वो काम के होते हैं। वो क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम के साथ जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम सॉरी, ठीक है, उसके पास जाके उसके साथ अटैच हो जाते हैं यूँ जाके, ठीक है। और ये इसका काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, अच्छे काम कर रहे हैं ये, ओके। उसके बाद प्रोटीन जो होते हैं ना, फैक्टर्स एक होता है इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन ने शुरू करवाना है, प्रोपोगेशन ने प्रोपोगेट करवाना है, और टर्मिनेशन ने उसे ख़त्म करवा देना। अब एटीपी और जीटीपी, एक एटीपी दूसरा जीटीपी, ये जो है ना इनिशिएशन प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन में जो एनर्जी इस्तेमाल होनी है, वह इन दो से होनी है। होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है ना, मैं आपको बताता हूँ प्रोक्रियार्ट्स का। प्रोक्रियार्ट्स में जो होता है ना मैसेंजर आरएनए, यानी जो डीएनए से बना था ना मैसेंजर आरएनए, प्रोक्रियार्ट्स की जो है ना वो होता है पॉलीसिस्टिक। पी से प्रोक्रियार्ट्स और पी से पॉलीसिस्टिक। अब पॉलीसिस्टिक क्या होता है, मैसेंजर आरएनए हैव मैनी इनिशिएशन साइट, मतलब अगर ये मैं कहूँ कि ये प्रोक्रियार्ट्स का मैसेंजर आरएनए है, तो इनिशिएशन यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बहुत सी पॉली का मैनी आपने याद रखना, मैनी, ठीक है। पी से पॉली, पी से प्रोक्रियार्ट, पी से मैनी साइट्स ऑफ इनिशिएशन। अब यूक्रियार्ट्स में क्या होता है, एक ही होती है, यानी अगर ये यूक्रियार्ट्स का मैसेंजर आरएनए है, तो यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी, एक जगह पे होगी, ये नहीं कि जहाँ पे दिल किया वहीं पे होगा। मोनोसिस्टोनिक जो होती है ना मैसेंजर आरएनए, वो होती है यूक्रियार्ट्स की, एक इनिशिएशन साइट होती है। होप सो यहाँ समझ आ गई होगी। उसके बाद है जनाब इनिशिएशन, यानी शुरुआत जो है ना, असेंबली ऑफ राइबोसोम। अच्छा, जब शुरुआत करनी है तो राइबोसोम को एक असेंबल कर लिया जाता है, यानी एक खास जगह पे लाया जाता है। स्मॉलर सब यूनिट है ना वो पहले आते हैं, हमें पता है राइबोसोम के एक स्मॉलर होता है, लार्जर सब यूनिट, ठीक है। अब प्रोक्रियार्ट्स में पता है 70S होता है, यूक्रियार्ट्स में जो होता है ना वो 80S होता है, ओके होगा। अब जो है ना पहले ये स्मॉल वाला, ये स्मॉल वाला, इसे मैं लार्ज वाला कहता हूँ, ये स्मॉल वाला ना ये पहले आएगा, छोटों को, छोटे बच्चे को पहले भेजेगा कि जाओ बेटा उसको ना जाके रिसीव करो, ठीक है। यहाँ से फिर कोई जो नया मैसेंजर आ रहा है, नहीं आ रहा होगा ना, उसको जो है ना अब ये स्मॉलर जो है ना वो राइबोसोम वो आके रिसीव करेगा। उसके बाद जो है ना चार्ज ट्रांसफर आ रहा है, उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे एक होती है ए साइट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ना, ए पी और ई साइट, ईपीए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना चार्ज ट्रांसफर आरएनए, अब चार्ज ट्रांसफर आरएनए की क्या डेफिनेशन है, वो एक तो होता है ना ये खाली ट्रांसफर आरएनए, अगर इसके ऊपर अमाइनो एसिड लग जाए ना, तो हम इसे कहते हैं ये है चार्ज अमाइनो एसिड, ठीक है। अब चार्ज अमाइनो एसिड क्या करेगा, वो आएगा यहाँ पे, ठीक है, ए साइड के ऊपर है वह अमाइनो एसिड, उसके ऊपर अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है ना जीटीपी जो होता है ना एनर्जी देता है, मैंने कहा था एटीपी या जीटीपी देता है, यहाँ पे जीटीपी की एनर्जी होती है, और मैसेंजर आरएनए जनाब इसके साथ वो मिल जाता है। उसके बाद इनिशिएशन जो होती है ना वो एयूजी फैक्टर होता है। अब अगर इसकी इनिशिएशन करवानी है ना, यानी शुरुआत करवानी है, उसके लिए हमें चाहिए कि मैथ्यूनिन आए, वो शुरुआत करवाएगा। अब मैथ्यूनिन को कौन रिकॉग्नाइज करता है, एयूजी, मैंने कहाँ से कैसे याद किया था, आग, AUG आग, यानी अति आग लगा देनी है उसने ताकि शुरू हो जाए हर चीज़,
ठीक है, आग की एक चिंगारी लगानी है उसने, और फिर सारा वो आग का पूरा ना बन जाना है अलाव सा। तो AUG जो है वो मैथ्यूनिन को कोड करेगा, ठीक है। प्रोक्रियार्स के अंदर आप देखें, वो कहता है कि 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड के डिस्टेंस पे ना प्रोक्रियार्स का, अगर ये सपोज उसका मैसेंजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जनाब इनिशिएशन हो रही है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड छोड़ के ना, जो एक सीक्वेंस होती है, जो होती है प्रोलीन रिच सीक्वेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिच सीक्वेंस है, जिसे हम कहते हैं शाइन डेलग्रेनो सीक्वेंस। शाइन डेलग्रेनो सीक्वेंस क्या है कि प्यूरीन रिच सीक्वेंस होती है, ठीक है। प्यूरीन के अंदर क्या आता है, एडीनिन और गवानीन, ये दोनों जो होते हैं वो उसकी सीक्वेंस होती है, यानी AG होगा, फिर GA होगा, AG होगा, इस तरह ना सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, वो 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड के फासले पर होगी इनिशिएशन, इसे हम कहते हैं शाइन डेलग्रेनो सीक्वेंस हो गया। इसमें क्या होता है, राइबोसोम हैव एबिलिटी टू रिकोगनाइज, राइबोसोम को ये हेल्प करता है, राइबोसोम जो भी नया भटका हुआ राइबोसोम आता है ना, वो कहाँ पे आएगा, शाइन डेलग्रेनो सीक्वेंस के ऊपर आएगा, ठीक है, रिकोगनाइज करेगा शाइन और बाइंड करेगा मैसेंजर RNA के साथ। मैसेंजर RNA के ऊपर प्यूरीन रिच सीक्वेंस होती है, नया ट्रांसफर RNA आना है, ठीक है, उसने आके इस शाइन डेलग्रेनो को सीक्वेंस को जो है ना रिकोगनाइज करना है, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट होनी है। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में कहता है यूक्रियार्ट्स हैव नो शन। अच्छा, ये मैंने प्रोक्रियार्ट्स का बताया, मैंने आपको पहले बता रहा हूँ हम मेनली प्रोक्रियार्ट्स को डिस्कस करेंगे, हैं, अब उसके हिसाब से फिर यूक्रियार्ट्स में जो डिफरेंस है ना वो बताएंगे। अब यूक्रियार्ट्स में तो ये सीक्वेंस नहीं मिलेगी आपको, यूक्रियार्ट्स हैव नो शाइन डेलग्रेनो सीक्वेंस, ओके हो गया। अब उसके अंदर फिर क्या होगा, सो राइबोसोम जो है ना वो रिकोगनाइज करेंगे क्या पर, हमें पता है कि जब भी मैसेंजर RNA बनता है ना, यूँ ये इसका 5' एंड है, ये इसका 3' एंड है, ठीक है, हमें पता है 5' एंड पे जनाब एक कैप होती है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो टेल होती है 3' एंड पे, कैप का जो मिथाइलेटेड कैप होती है 7-methyl GTP हो गया, ठीक है, ये मैंने लिखा भी है 7-methyl GTP, और टेल जो होती है ना वो पोली ए टेल, ये सारी FSC वाली बातें, कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने देखते जाना बस। अच्छा, अब जो इसके अंदर तो यूक्रियार्ट्स में है ही नहीं शाइन डेलग्रेनो सीक्वेंस, तो फिर क्या करेंगे, राइबोसोम जो भी आएगा वो सबसे पहले रिकोगनाइज करेगा, ट्रांसफर RNA सॉरी जो भी आएगा वो 5' एंड को रिकोगनाइज करेगा, स्टार्ट को डाउन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसलेशन को स्टार्ट करवा देगा, ओके हो गया। अब नेक्स्ट जो होता है ना वो कह रहा है कि ये सपोज करें ये सारे का सारा ना ये स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है, ऊपर ये मैं इसका मैसेंजर RNA बना रहा हूँ, ये मैसेंजर RNA हो गया, ठीक है। अब इनिशिएटिव जो होता है ना वो ट्रांसफर RNA आया है, अब इनिशिएटिव ट्रांसफर RNA जो आएगा ना उसके ऊपर क्या होगा, मैंने बताया था कि AUG उसके ये यहाँ पे AUG लगे होंगे, ठीक है, और वो किसको कोड करेगा, मैथ्योनिन को, तो यहाँ पे हो गया एन फार्माइल मैथ्योनिन आ गया, ओके हो गया, इसने आके इनिशिएशन करवानी है। अब गिव मैथ्योनिन टू स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट देन लार्ज एमिनोन, पहले स्मॉल के साथ आएगा, उसके बाद क्या होगा जो है ना इसका जो सेकंड पार्ट है ना लार्ज सब यूनिट, यानी अगर ये 40S है तो ये 60S वाला, फिर ये बाद में 60S वाला छोटे के सारा काम कर लेंगे, चाय पानी से दे लेंगे, उसके बाद 60 वाला आएगा इससे बात करने, तो ये क्या होगा, फंक्शनल राइबोसोम इसे कहते हैं, ओके हो गया। अब ये स्मॉल और ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये लार्ज और स्मॉल आपस में मिले, दरमियान में क्या है, मैसेंजर RNA, तो अब ये इसको हम कहेंगे फंक्शनल राइबोसोम, ओके हो गया। अब इन यूक्रियार्ट्स नो एन फार्माइल मैथियोनिन, ये सारी प्रोक्रियार्ट्स की मैंने बात की है, यूक्रियार्ट्स में वो कह रहा है कि जो ट्रांसफर RNA इनिशिएटिव के लिए आता है उसके अंदर एन फार्माइल मैथियोनिन नहीं होता, उसके अंदर क्या होते हैं फिर, उसके अंदर फैक्टर होते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो कहानी हमारी ख़त्म होगी। अब नेक्स्ट में जो आ जा रहे हैं वो होगा ट्रांसलेशन फैक्टर्स कुछ होते हैं, ठीक है, ये फैक्टर्स क्या करते हैं, जस्ट लाइक ना एक हवा देना, प्रमोट करना, प्रमोटर के तौर पे IF1, ठीक हो गया, IF2, IF3, ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, ये सारे के सारे प्रोक्रियार्ट्स में होते हैं, ये याद रखिएगा, प्रोक्रियार्ट्स में, ठीक है, 1, 2 और 3। अब यूक्रियार्ट्स की बारी आती है तो उसमें यूक्रियार्ट्स में ये 1, 2, 3 नहीं होता, सिर्फ इनिशिएशन फैक्टर 2 होता है, ओके हो गया। इसके अलावा इसके अंदर एनफामाइल मैथोनिन भी नहीं होता, और इसके अलावा यूक्रियार्ट्स में शाइन डेलग्रेनो सीक्वेंस भी नहीं होती, प्रोक्रियार्ट्स में शाइन डेलग्रेनो सीक्वेंस होती है, एनफामाइल मैथोनिन होती है, इनिशिएटिव फैक्टर 1, 2, 3 तीनों होते हैं। अब मैंने कहा था एनर्जी भी तो आनी है,
तो ये जो ट्रांसफर आ रहा था इसके ऊपर एन फार्माइल मैथ्यूनिल लगा हुआ था, ठीक है, अगर मैथ्यूनिल लगा हुआ था, जीटीपी टूटेगा किसके अंदर, जीडीपी के अंदर, ठीक हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी जो है ना वो रिलीज़ होगी, एनर्जी वो जो रिलीज़ होगी ना वो एनर्जी को यूटिलाइज़ करेंगे इसकी ब्रेकेज के लिए, यहाँ से ब्रेक करके इसे तोड़ देगा, ओके हो गया। अब ट्रांसफर आने से जो हो गया एट पी साइट। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया कि जो मैसेंजर आ रहा है नया नया ताज़ा ताज़ा बना हुआ होता है ना, सपोज़ कि ये मैसेंजर आ रहा है नहीं ताज़ा ताज़ा बना हुआ है, इसके ऊपर जो पहला पहला फैक्टर आएगा ना वो कहाँ पे लगेगा, पी साइड के, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ए साइड के ऊपर पहला पहला नहीं आग लग सकता, पी साइड के ऊपर पहला पहला लगेगा, ठीक है। फिर जो बाकी वाले आएंगे ना इसके प्रोटीन बनाने के लिए, वो ए साइड पे आके सलाम दुआ करेंगे। पहला जो ट्रांसफ़र आ रहा है ना दी मोस्ट फर्स्ट वन, वो आएगा पी पे पोजीशन लेने के लिए अपनी, ठीक है, पी साइड पे आके पेप्टाइडल साइड पे आके एक अमाइनो एसिड अपना यहाँ पे खड़ा करेगा, तभी तो इसको देख के तो बाकी आएंगे फिर ए के पास आएंगे, ए कहेगा पहले मेरे से ज़्यादा चलो फिर पी की तरफ आपने जाना है, पहले वाला जो डायरेक्ट पी के ऊपर आ गया, जो सेकंड और थर्ड ट्रांसफर आ रहे हैं वो पहले ए पे आएंगे फिर वो पी की तरफ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे ना समझा वो दोबारा देख ले। अच्छा दीज आर द प्रोटीन फॉर हेल्पिंग ट्रांसलेशन हो गया। अच्छा ये जो है ना इन फैक्टर्स वो कह रहा है कि ये ट्रांसलेशन की सिर्फ हेल्प करती हैं, यानी उसे एक किस्म का कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करेंगे। अब पी साइड पे वो कह रहा था कि अमाइनो एसिड जो है वो रिलीज़ कर देता है, यही वो बात मैंने आपको बता दी है, आपने दोबारा गौर से देख लेनी है। राइबोसोम्स जो है ना मूव ऑन मैसेंजर आ रहे हैं, ये तो हमें पता है। अच्छा ये जो कहानी है ना, सपोज़ कि ये राइबोसोम है, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट है, ये उसके ऊपर मैसेंजर आ रहा है लग गया, अब कौन मूव करेगा, मैसेंजर आ रहा है चुप करके अब खड़ा रहेगा, ठीक है, तो राइबोसोम जो है ना वो यूँ मूव करेगा, यूँ, ओके हो गया, यूँ या यूँ मूव करेगा, मैसेंजर आरएनए ने अपनी जगह नहीं छोड़नी, ये सेट वन के बैठा रहेगा ऊपर राइबोसोम, क्योंकि अब राइबोसोम का सारा काम है ना, ये स्मॉल राइबोसोम हो गया, ये ऊपर लार्ज सब राइबोसोम हो गया, अब इसने क्या करना है, फंक्शनल हो गया राइबोसोम, तो अंदर ये बैठा रहेगा चुप करके ये मैसेंजर आरएनए, और ये ऊपर या नीचे ये आगे पीछे होता रहेगा, बस ये अपने कंसेप्ट याद रखना है। अच्छा इनिशिएटिव ट्रांसफर आ रहा है लैंड होता है ऑन पी नॉट ऑन ए, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इनिशिएटिव जो होता है ना ट्रांसफर आने में वो पी के ऊपर लैंड करता है, ए के ऊपर नहीं लैंड करता, जो फर्स्ट वन होता है वो पी के ऊपर लैंड करेगा, ए के ऊपर लैंड नहीं करेगा। तो इन लोगेशन का जो है वो मैं नेक्स्ट बताऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, थैंक यू सो मच, अगर कोई गलती हो तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर कहूँगा दूसरों की हेल्प करने अलावा आपकी मदद करेगा, और कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन में, पर मुझसे कोई गलती होगी तो काइंडली ज़रूर बताइएगा, थैंक यू सो मच।